आज मैं केवल आपको बताना चाहता हूं कि विगत 15 साल में एनडीए की सरकार ने कितना काम किया है और उसके पहले की सरकारों ने कितना काम किया है। अगर विशेष करके आप पथ निर्माण का विचार करिएगा तो मैं बताऊं आपको कि 1950 से लेकर 2005 तक बिहार की जो 6 प्रमुख नदियां हैं, गंगा, गंडक, कोसी, सोन, बागमती, फल्गु, इन 6 नदियों पर आजादी के बाद से लेकर 2005 तक केवल 16 पुल बनाए गए थे और 2005 से 2020 के बीच में इन्हीं 6 नदियों पर हमने 25 पुल बना करके जनता को समर्पित कर दिया है। 14 पुल पर काम चल रहा है, 2 पुल के टेंडर हमने किए हैं और 5 और पुल प्रस्तावित है। मतलब साफ है, आप समझ सकते हैं कि 46 पुल अगले 3 साल के अंदर इन 6 नदियों पर बन जाएंगे, जबकि आजादी के बाद से लेके 2005 तक केवल 16 पुल बनाए गए थे। अगर आप लेन की बात करें, गंगा नदी का ही विचार कर ले, गंगा नदी क्योंकि विभाजित करती है, तो गंगा नदी पर आजादी के बाद से लेकर 2005 तक 10 लेन के केवल 4 पुल बनाए गए थे और हम लोगों ने 15 साल में 6 लेन के 2 पुल बना के जनता को समर्पित कर दिया है और 30 लेन के 7 पुल पर काम चल रहा है, अगले साल 2 साल के अंदर पूरा होगा और साथ साथ 4 पुल 16 लेन के और प्रस्तावित है, टेंडर के प्रोसेस में है। मतलब बड़ा साफ है, 2005 से 2020 के बीच में 52 लेन का पुल अगले 2 साल के अंदर जनता को हम समर्पित करने केवल गंगा नदी पर। मित्रों, आप जानते हैं जो हाईवे बिहार के अंदर बिना एनएच की बात छोड़ देते हैं, एक बार अगर हम केवल स्टेट फंड की बात करें तो इंटरमीडिएट लेन 2005 में 1705 किलोमीटर थी, आज के डेट में 5654 किलोमीटर इंटरमीडिएट लेन बना के हमने जनता को समर्पित किया है। जो डबल लेन है 7 मीटर चौड़ी सड़क, वो 2005 में केवल 160 किलोमीटर था और आज 4429 किलोमीटर स्टेट हाईवे बनाकर हमने जनता को समर्पित किया है। आप जानते हैं कि माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो पैकेज दिया था उसमें 54,700 करोड़ रुपया केवल सड़क और पुलों के लिए आवंटित किया है, उन अधिकांश योजनाओं पर काम चल रहा है और आने वाले दिनों में ये सारी योजनाएं पूरी हो जाएगी। एक बात मैं और बताना चाहता हूं आपसे, जो उग्रवाद प्रभावित इलाका हमारे यहाँ रहा है 5 जिले, उस उग्रवाद प्रभावित जिले में विगत 3 साल के अंदर भारत की सरकार ने और राज्य सरकार ने मिलकर 2672 करोड़ रुपया आवंटित किया है, जिससे 1636 किलोमीटर सड़क के निर्माण का काम होगा, जिसमें 15 सड़कें होंगी और 75 पुल होंगे। इसके अलावा हमने निर्णय लिया है कि बिहार के सभी शहरों का बाईपास बनाएंगे, अब तक 31 शहरों के बाईपास निर्माण का काम हमने पूरा कर लिया है, बड़े पैमाने पर फ्लाईओवर के निर्माण का काम कर रहे हैं, आरओबी के निर्माण का काम कर रहे हैं। एक बड़ा परिवर्तन, आप यह भी जानते हैं कि हमने चचरी पुल की संस्कृति को बिहार में समाप्त किया है, लगभग 5000 छोटे बड़े पुल हमने बना करके लोगों के आवागमन के मार्ग को सुलभ किया है, 6 घंटे में पटना पहुंचने का लक्ष्य हमने पहले तय किया था, उसको तो हमने प्राप्त कर लिया, अब 5 घंटे में सुदूर इलाके से पटना पहुंचने का लक्ष्य प्राप्त करने के लिए हम काम कर रहे हैं। फर्क बड़ा साफ, 2005 के पहले जो सरकार काम कर रही थी उसके जो काम थे वो सामने है और 2005 से 2020 के बीच में एनडीए की सरकार ने जो काम किया है वो आपके सामने है, सारा देश जान रहा है, फर्क साफ साफ फर्क देख रहा है, कौन काम करने वाला है और कौन बात बनाने वाला है। चिराग पासवान अलग पुल बना रहे हैं, चलिए इसमें कोई कमेंट नहीं हो गया, पासवान अलग पुल बना रहे हैं। मैं इतना जानता हूं आज की बात आपसे विकास पे, जो लोग आज बड़ी बड़ी बात कर रहे हैं विरोध के लोग, वो जब सत्ता में आते हैं तो लूटने का काम करते हैं और जब विपक्ष में आते हैं तो झूठ का पहाड़ खड़ा करने का काम करते हैं, फर्क बड़ा साफ। लालू जी जो रांची में।